प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित, ये आपकी कक्षा तीसरी की मैथमेटिक्स की बुक है। आज हम लोग जोड़ हासिल वाला पार्ट टू सीखेंगे। जोड़ हासिल वाला हम लोग पहले वीडियो में भी सीखा था, आज हम दूसरा पार्ट सीखेंगे। दूसरे पार्ट में एडिशन बाय कैरिंग ओवर, जोड़ हासिल वाला में आज हम आपको जोड़ क्या है, पहले एडिशन क्या है, जोड़ने की जो क्रिया है बच्चों वो विशेषता क्या है, संख्याओं को संयोजन है, संख्याओं का संयोजन या योग जो है वो क्या है, योग कहते हैं उसको, एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। यूं समझ लीजिए कि द एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स रिजल्ट्स इन द टोटल अमाउंट आर सम ऑफ दोज वैल्यूज कंबाइंड। अरेंज वर्टिकली एंड एट, आज हम आप लोगों को, आप लोगों ने ऊपर नीचे लिख करके जोड़ा था, आज हम आपको खड़ा विन्यास करके जोड़ना सिखाएंगे ऊपर नीचे। तो बच्चों खड़ा विन्यास करके जोड़ की क्रिया हम कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जोड़ का निशान है प्लस का, जिसको एडिशन बोलते हैं, संख्याओं का संयोजन या संख्याओं का योग। ये देखिए अरेंज वर्टिकली एंड एट माने खड़ा विन्यास करके जोड़ो, इकाई दहाई सैकड़ा। आज हम तीन अंक की संख्याओं का जोड़ सिखाएंगे बच्चों, जिसको यूनिट टेंस एंड हंड्रेड बोलते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं जोड़ने के लिए, 235 प्लस 146, ये तीन अंक की संख्याएं हैं। 235 भी तीन अंक की संख्या है और 146 भी तीन नंबर की संख्या है। बच्चों जैसा आप जानते हैं, जोड़ने की संक्रिया हो या घटाने की संक्रिया हो या गुणा करने की संक्रिया हो, सब हम किस साइड से शुरू करते हैं? दाहिनी साइड से शुरू करते हैं, माने दाहिनी साइड हमारी इकाई आती है, फिर उसके बाईं साइड जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, ऐसे हम पढ़ते हैं यूनिट टेंस। तो इसको हम खड़ा विन्यास करके यूनिट टेंस और हंड्रेड के रूप में लिख लेते हैं। तो हमने लिख करके दिखाया बच्चों, ये देखिए यूनिट टेंस और हंड्रेड। अब यूनिट को यूनिट के खाने में, फाइव यहाँ पर यूनिट है, थ्री टेंस है और टू हंड्रेड है, पढ़ते हैं हम इसको, रीड एज 235, तो हंड्रेड के स्थान पर टू लिखा है, टेंस के स्थान पर थ्री लिखा है और यूनिट के स्थान पर फाइव लिखा है, प्लस 146। उसी प्रकार से अभी देखिए यहाँ पर एडिशन का निशान है, लड़की दिखा रही कैसे होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन का निशान भी लगा देते हैं, बराबर। अब हमको 235 प्लस 146 को क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर 5 है और 6 है, 5 और 6 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमने जोड़ने की संक्रिया में आपको बताया है कि एक अंक तक माने 0 से 9 तक आता है तो हम रखते हैं इकाई वाले में,
फिर जब 10 आ जाता है, दहाई आ जाता है, दहाई वाले अंक को हम दहाई में जोड़ते हैं, माने यहाँ पर एक जो है ये एक, इसको हम कहाँ ले जाके कर देते हैं, टेंस के खाने में कर देते हैं, क्योंकि यूनिट के खाने में यूनिट ही रहेगा और टेंस के खाने में टेंस रहेगा। 4 + 3 और 1 क्या कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा 8 बराबर, और 2 और 1 क्या हो गया 3, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 381। यहाँ पर 11 आया था बच्चों, 11 यूनिट वाले के स्थान पर 1 है, 1 हमने इधर छोड़ दिया और टेंस के स्थान पर 1 आया था, 1 को हमने इधर टेंस में ले जाके कर दिया, माने यूनिट को यूनिट में जोड़ेंगे। टेंस को हमने बताया था एक दहाई में 10 इकाई होता है, एक सैकड़े में भी 10 दहाई होता है, इसलिए हमेशा टेंस वाला जब आएगा तो उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं बराबर। यूँ समझ लीजिए, 2 अंक की संख्या आएगी तो इकाई वाले स्थान को रखना है, दहाई वाले स्थान को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, कैरी कर देना है। आया समझ में? दूसरा है 346 + 129। ऐसे तीन खाना बना के लिख लेते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 346 और 129। ये देखिए इस प्रकार से हमने लिखा है। अब यहाँ पर प्लस डालना है हमको, हमने यहाँ पर प्लस दिख डाल दिया बच्चों, ये देखिए प्लस का निशान, ये लड़की प्लस का निशान आपको दिखा रही है बराबर। अब यहाँ पर यूनिट में 6 है और 9 है, 9 और 6 आप ऐड करेंगे तो आएगा 15। अब 15 को आप इधर 5 तो रखते हैं, यहाँ पर 1 भी आएगा और इस 1 को आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर टेंस में क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, टेंस के स्थान पर आ जाएगा। 4 और 2 6 हो गया और 6 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4, तो 475। इस प्रकार से हम जोड़ की संक्रिया पूरी करते हैं 475। तो यहाँ पर टेंस है, अभी हमने दिखाया आपको कि ये दहाई वाला भाग एक है, इसको हमने टेंस में दहाई में ले जाके रख दिया, यूनिट के स्थान पर यूनिट ही रहेगा, टेंस के स्थान पर टेन आएगा, टेंस आएगा और 100 के स्थान पर 100 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, 536 + 236। ये देखिए हम लिखा है इस प्रकार से, 536 + 236, यहाँ पर हमने ये जोड़ का निशान लगा दो बराबर। अब 6 और 6, 6 6 क्या हो जाएगा, 12, 12 की क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 ही लिखते हैं, अब एक को इधर क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। अभी हमने लिख के आपको बताया था, अब आप मन में करेंगे 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 का 2 रखेंगे, इकाई रखेंगे, 12 में एक दहाई 2 इकाई होता है, तो 2 इकाई रखेंगे और एक दहाई हासिल हो जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 2 क्या हो जाएगा, 7। तो जोड़ने पर क्या आ गया, 536 + 236 इक्वल टू आ जाएगा 772। चलिए दूसरा लेते हैं, 749 + 128। इसको भी यूनिट टेंस 100 के रूप में लिख लेते हैं पहले हम। ये देखिए यूनिट के स्थान पर 9, टेंस के स्थान पर 4 और 100 के स्थान पर 7। प्लस का निशान लगा देते हैं, दोनों को जोड़ना है। ये देखिए प्लस का निशान हो गया आपको, यूनिट में यूनिट को जोड़ेंगे, टेंस में टेंस को जोड़ेंगे, 100 में 100 को जोड़ेंगे। 9 और 8 17 होता है बच्चों, 17 का हम यूनिट के स्थान पर 7 ही रखेंगे और टेंस को कैरी कर देंगे। 1 4 2 6 6 1 क्या हो जाएगा, 7 और 7 1 क्या हो जाएगा, 8, तो 877 हो गया। 800 क्या हो गया बच्चों, 77।
877 बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप लोग इसको पढ़िए, 275 प्लस 246, 275 प्लस 246 यूनिट टेंस 100 है, तीन अंक की संख्याओं का जोड़ है, तो लिख लेते हैं हम। अभी हमने यूनिट टेंस 100 करके लिखना दिखाया था, उसी प्रकार से लिखते हैं। यूनिट टेंस 100, 275 प्लस 246, ये चलिए प्लस का निशान लगाते हैं बच्चों यहाँ पर, बराबर। 6 और 5 हो गया 11, 11 का हो गया 1, और 1 क्या हो गया इधर कैरी हो गया। 7 और 4 इधर देखिए, 7 और 4 भी क्या होता है 11 होता है, 11 और 1 क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ पर बच्चों देखिए 12 दहाई हो गया, तो हमने कहा एक सैकड़े में 10 दहाई होता है, तो 12 दहाई है तो इकाई वाले भाग को यहाँ पर रखेंगे, ये दहाई वाले भाग चला जाएगा सैकड़े में। 7 और 4 11, 11 एक, 12 की 12 की 2, और एक क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा, 2 2 4 और एक क्या हो गया 5। हो गया 521 बराबर। यहां पर दहाई को आपने जोड़ा तो 12 आ गया। अब 12 में एक दहाई दो इकाई होता है, दहाई जोड़ रहे हैं तो 12 दहाई हो गया, और 10 दहाई में एक सैकड़ा होता है, 10 दहाई में क्या होता है एक सैकड़ा, तो दहाई दो दो 12 दहाई में कितना हो गया एक सैकड़ा हो गया, और दो दहाई हो गया, तो दो दहाई को दहाई में रख लिया, एक को सैकड़े के स्थान पर डाल दिया, तो दो दो चार और एक क्या हो गया 5 हो गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 275 प्लस 246 इक्वल टू 521 नेक्स्ट 382 प्लस 199, इसको भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं हम यूनिट टेंस 100 के रूप में। ये देखिए यूनिट टेंस 100 के रूप में लिख लिया, 382 प्लस 199, यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देते हैं इधर, बराबर। 9 और 2 क्या हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 क्यू 1, 1 टेंस में चला गया, और यहाँ पर 9 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 9 और 8 17 होता है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18, 18 का यहाँ पर 8 ही रखेंगे आप, और 1 क्या हो जाएगा 100 में चला जाएगा, तो 314 और 1 क्या हो जाएगा 5। उत्तर कितना हो गया 581। तो हमने इकाई इकाई में जोड़ा, इकाई में जो दहाई के स्थान पर आगे दहाई में कर दिया, दहाई को जोड़ते समय जो सैकड़े के स्थान पर आने वाला हो कैरी कर देते हैं सैकड़े में। इस प्रकार से जोड़ की संक्रिया पूरी हो जाती है बच्चों। यह है 455 प्लस 267, 455 प्लस 267, ये देखिए इसको भी लिख लेते हैं हम। 455 प्लस 267, यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ, दोनों को ऐड करना है, तो 7 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का कितना रखेंगे 2, और 1 क्या हो जाएगा
हासिल हो जाएगा। 6 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 11। 11 और 1 क्या हो जाएगा? 12। 12 का भी क्या हो जाएगा? 2। और 1 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। 4 टू 6, 6 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 722, 722 बराबर। तो इस प्रकार से तीन अंकों की कोई भी दो संख्याएं लेकर के इकाई इकाई के नीचे, दहाई दहाई के नीचे, सैकड़ा सैकड़े के नीचे लिख करके आप उसको जोड़ सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये चलिए दूसरा लेते हैं। 545 प्लस 165, 545 प्लस 165। अब देखिए इसको, फाइव और फाइव मिलके कितना होता है? टेन। तो टेन का क्या लिखेंगे? जीरो। और वन क्या हो जाएगा? हासिल। सिक्स और फोर मिलके कितना होता है? टेन। और टेन वन क्या हो जाएगा? अलेवन। अलेवन का क्या लिखेंगे? वन। और वन हो जाएगा हासिल। फाइव वन सिक्स, सिक्स वन सेवन, ये हो गया 710, 710। आप यूनिट यूनिट के नीचे लिखेंगे, टेंस टेंस के नीचे लिखेंगे और हंड्रेड हंड्रेड के नीचे लिखेंगे। चलिए बच्चों, कुछ हम शाब्दिक प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ हम शाब्दिक प्रश्न लिख करके प्रश्नों को पहले भली भांति पढ़ेंगे। यहाँ पर तो एडिशन ही हम सिखा रहे हैं, तो है कि ऐड ही करना पड़ेगा। लेकिन जब परीक्षा में आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको नहीं हो मालूम हो पाता क्या दिया है। तो आप उसको भली भांति पढ़ेंगे, प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद तब उत्तर उसको, अगर आपने शाब्दिक प्रश्न को पढ़ लिया, भली भांति समझ लिया, तो आधा उत्तर समझो आपको मालूम हो गया। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके टीवी स्क्रीन पर। इफ 365 वोमेन एंड 276 मेन took part in the clean village campaign, how many people took part all together? बच्चों हम इसको हिंदी में भी समझा देते हैं कि ग्राम स्वच्छता अभियान में क्लीन विलेज लिखा है, ग्राम स्वच्छता अभियान में 365 स्त्रियां, वोमेन माने स्त्री होता है, और 276 पुरुष सहभागी हुए। हाउ मेनी पीपल, तो कुल कितनी व्यक्ति सहभागी हुए, जहां पर कुल आता है या हाउ मेनी आता है, इसका मीन्स होता है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं सबको क्या करो? जोड़ दो। सबको बच्चों क्या करो? जोड़ दो। तो 365 वोमेन है एंड 276 मेन है, दोनों को क्या करना? जोड़ना है। तो तीन अंक पहली संख्या में भी है, तीन अंक दूसरी संख्या में भी है, तीनों संख्या यूनिट टेंस हंड्रेड लिख करके हम जोड़ते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख करके भी बताएगी, ये देखिए 365 प्लस 276, ये 365 क्या है? वोमेन है, यहाँ पर हम वोमेन लिख देते हैं, और 276 क्या है? मेन है, यहाँ पर हम मेन लिख देते हैं, वोमेन माने स्त्री, मेन माने पुरुष। अब इसको चलिए जोड़ते हैं, जोड़ना हमने पीछे सीखा है। 6 और 5 क्या हो गया? 11, 11 की 1, टेंस में एक 1 कैरी हो गया, तो 6 एक 7 हो गया, 7 7 क्या हो गया? 14, 14 की भी क्या हो गया? 4 बराबर, और एक हो गया हासिल। 3 2 5 और 1 क्या हो गया? 6। तो कितने हो गया? हाउ मेनी पीपल टू पार्ट ऑल टूगेदर? 641। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों?
उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ऑल टूगेदर हाउ मेनी पीपल, तो 641, यहां क्या लिखेंगे आप, 641, देखो बराबर 641 पीपल took part, all together माने कितने पुरुष, कितने व्यक्ति सहभागी हुए, व्यक्ति में ओमेन और मेन दोनों आ जाता है, तो 641 व्यक्ति सहभागी हुए अभियान में। कुल कितने व्यक्ति सहभागी हुए बच्चों अभियान में, कुल 641 पीपल सहभागी हुई। तो बच्चों हमने क्या किया, जो शाब्दिक प्रश्न दिए गए थे वर्ड प्रॉब्लम, उसको हमने पढ़ा समझा, इसके बाद हमने उसको हल किया। तो चलिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। मालती जी ने, मालती बाई लिखा है कि मालती बाई गिफ्टेड 350 बुक्स टू द स्कूल लाइब्रेरी, और बसंत राव ने गिव 400 एंड जयंत राव 165, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिफ्टेड टू द स्कूल लाइब्रेरी, माने स्कूल लाइब्रेरी को तीन लोगों ने गिफ्ट किया है। मालती जी ने कितना दिया, 350 पुस्तकें, बसंत जी ने कितना दिया, 400 पुस्तकें, और जयंत जी ने कितनी दिया है, 165 पुस्तकें। तो पुस्तकालय को गिफ्ट के रूप में कुल कितनी पुस्तकें मिली, यहाँ पर तीन अंक की संख्याएं तीन बार है बच्चों, ये देखिए 350 है, यहाँ पर 350 है, 400 है और 165 है। तभी तक हमने दो ही संख्याओं को जोड़ना सीखा, तो उसी प्रकार से तीनों को भी जोड़ेंगे, यूनिट को यूनिट में, टेंस को टेंस में और 100 को 100 में, बराबर। चलिए हम आपको जोड़ करके बता देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखो यूनिट, यहाँ पर लिखो टेंस, यहाँ पर लिखो 100, बराबर। अब 350 पहले लिखो, 100 के नीचे 3, टेंस के नीचे 5 और यहां पर यूनिट के नीचे 0। 350 बुक्स किसने दिया, मालती बाई ने दिया। 400 बुक्स किसने दिया, यहां पर 400 लिख लो, 400 ये देखो, फिर कितना 165। अब चलिए इसको हम तीनों को जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर जोड़ का निशान मारो, बराबर, यहाँ 00 और 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 है और 6 है, 65 11 हो गया, यहाँ पर 11 की 1 लिखेंगे और यहाँ पर एक हासिल हो जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 1 8 और 8 1 कितना हो गया 9। अब कितनी पुस्तकें बच्चों गिफ्टेड टू द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 915, 915 बुक जो होता है विद्यालय को भेंट के रूप में मिली, 915 बुक। तो तीनों को हमने क्या किया, 350 लिख दिया, 400 लिख दिया और 165 लिख दिया, ये 005 को जोड़ा, 0 जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में शून्य जोड़ देंगे तो वही संख्या रहती है, 6 और 5 यहाँ जोड़ा 11 हो गया, 11 का 1 रखा, 1 कैरी हो गया, 4 3 7 1 8 और 1 हासिल 9, तो 915 पुस्तकें कुल कितनी हो गई बच्चों पुस्तकें, 915। इस प्रकार से शाब्दिक प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद उसको हल किया।
चलिए आगे देखते हैं। शाब्दिक प्रश्नों, इफ 230 गुलमोहर ट्रीज, 375 नीम ट्रीज एंड 160 टीक ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन द हिल साइट, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑल टूगेदर। किसी पहाड़ी पर बच्चों गुलमोहर के 230, नीम के 375 और सागौन के, टिक ट्री माने सागौन के पेड़, 160 पौधे रोपे गए हो तो कुल कितने पौधे रोपे गए। तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। हाउ मेनी लिखा है या कुल शब्द आता है तो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑल टूगेदर। तो चलिए जोड़ते हैं हम, कैसे, यहाँ पर यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ पर टेंस लिख लेते हैं और यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, बराबर। एक खाना कैरी के लिए छोड़ देते हैं, हासिल के लिए 230, यहाँ लिखो 230, बराबर लिख दिया 230, फिर लिखा 375, 375, फिर 160, जोड़ का निशान लगा दो, बराबर। अब 5, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो यहां पर 5 आ जाएगा इस खाने में। 7 और 3 10 होता है, 10 और 6 कितना होता है 16, 16 हो गया, 16 का 6 1 हो गया कैरी, 3 2 5 1 6 और 6 और 1 7, कुल कितने पेड़ हो गए प्लांटेड, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑल टुगेदर, कुल कितने पौधे रोपे गए, कुल कितने पौधे रोपे गए। तो 765 मीन्स 765, 765 पेड़ जो होते क्या हो गए, वो रोपे गए, 765। एट द पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर 193 टू व्हीलर एंड 297 फोर व्हीलर्स व्हीकल्स वेयर टेस्टेड, व्हाट वॉज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल टेस्टेड फॉर पॉल्यूशन। प्रदूषण जांच केंद्र में 193 दोपहिया वाहन, 297 चौपहिया वाहनों के प्रदूषण की जांच की गई, तो कुल कितने वाहनों के प्रदूषण की जांच की गई। बच्चों जोड़ है, कुल लिखा है, टोटल नंबर लिखा है, टोटल नंबर लिखा है तो समझ लो जोड़ है। तो कैसे करेंगे इसको हम, यूनिट टेंस 100 लिखेंगे, ये देखो हमने यूनिट लिख दिया, ये टेंस लिख दिया और ये 100 लिख दिया, बराबर। तो 193 और कितना है 297 और क्या करना है, दोनों को जोड़ करना है, प्लस 7 और 3 क्या हो गया बच्चों 10, 1 हो गया कैरी, 9 और 9 9 18, 18 1 19 हो जाएगा, 19 की 9 और 1 हो गया कैरी, 2 और 1 3 1 4, तो कुल कितने वाहन ने वाहनों के प्रदूषण की जांच की गई, तो 490। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल टेस्टेड फॉर पॉल्यूशन, 419 व्हीकल्स टेस्टेड फॉर पॉल्यूशन, 490। बच्चों इस प्रकार से हमने जोड़ हासिल वाला देखा कि यूनिट को यूनिट में जोड़ते हैं,
टेंस को टेंस में जोड़ते हैं, हंड्रेड को हंड्रेड में जोड़ते हैं। हमने आपको सिखाया है कि एक दहाई में 10 इकाई होती है। जीरो से नाइन तक आता है, एक अंक की संख्या आती है यूनिट में रख देते हैं, जैसे दो अंक की यूनिट में आएगी दहाई को हम कैरी कर लेंगे। वैसे दहाई में भी जैसे दो अंक आएगा तो दाहिनी साइड का अंक इकाई वाला रख देते हैं, दहाई वाला क्या कर देते हैं, कैरी कर देते हैं। तो बच्चों, यूनिट को यूनिट के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे और हंड्रेड को हंड्रेड के नीचे अगर आप सही सही लिख ले जाते हैं, बच्चों वाचन पहले करो संख्याओं का, इसके बाद उसको लिखना सीखो। लिखने के बाद तब दाहिनी तरफ से यूनिट को यूनिट में जोड़ो, टेंस को टेंस में जोड़ो और हंड्रेड को हंड्रेड में जोड़ो। तो आपके बुक्स में बहुत सारे सवाल और भी दिए गए हैं, तो आप उनको करके अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।